अब्बा क्योंकि कमान तो भैया के हाथ में ना वालते इनकी बंद करना पड़ता है। बोला तो भैया तो ऊपर वाले ने बोल दिया कि भैया देखो अपन ने उस समय बोला था गर्मी लगी थी आपके इलेक्शन के पहले कि भाई इनने बहुत अन्याय करा है पानी चार साल से आ नहीं रहा। किन्ने अन्याय किया ऐसे बोलो ना। शिवराज सिंह जी ने अन्याय करा किसानों के ऊपर मतलब झूठे वादे करे पानी नहीं आ रहा। भैया बोले इस बार देखो पानी पानी कर देंगे नहीं और मुल्ताई वाले को भी पानी पूरा पिलवाएंगे। बोले भाई क्या प्रेस वाले तो यहाँ है। शिवराज सिंह जी ने जुलाई में एक स्टेटमेंट दिया था सब पेपरों में छपा था कि कमलनाथ जी की सरकार बनने के कारण पानी नहीं आ रहा। अब वो इंद्र देवता ने सुन लिया। इंद्र देवता को लगा कि कमलनाथ जी जैसा इंसान जो किसानों का हितैषी है और पूरे आम जनता का हितैषी है और शिवराज सिंह ऐसी गलत बात कमलनाथ जी के बारे में बोल रहे हैं तो इंद्र देवता नाराज हुए और वो बात लग गई इंद्र देवता को। और जो पानी शुरुआत हुआ जो अगस्त से तो बंद ही नहीं हो रहा। झूठी बात का जवाब झूठी बात का भगवान भी जवाब देता है ना इनका जवाब पत्थर से। तो अब शिवराज सिंह जी को माफी मांगना चाहिए कि मैंने गलत बोल दिया था तो पानी बंद हो जाएगा। माफी नहीं मांगे तब तक के पानी आते ही रहे। और फिर क्या है ये जिम्मेदारी तो दोनों की है यार। स्टेट गवर्नमेंट की तो है कमलनाथ जी तो करेंगे ही लेकिन सरकार की भी जवाबदारी सरकार की भी तो जिम्मेदारी है ना। आज सांसद जीत के गए नौ बार हो गया आठ बार। तो सांसद का भी तो फर्ज बनता है कि मुआवजे के लिए मांग करे मोदी जी से कि बस हिंदुस्तान पाकिस्तान ही करते रहेंगे उसमें पेट थोड़ी बांधने वाला। पेट तो भैया अगर हमारे घर में अनाज आएगा तभी भरेगा ना। रोजगार मिलेगा तभी अपना घर चलेगा। तो बस सांसद का भी दायित्व है कि वो केंद्र सरकार से मांग करे। हम तो मध्य प्रदेश सरकार तो कमलनाथ जी सर्वे के आर्डर कर ही दिए है लेकिन उनका भी तो दायित्व है कि बस वोट लेने का ही अधिकार है। अभी तक सांसद जी के तरफ से फसल के बारे में एक स्टेटमेंट नहीं आया। तो राजनीति करने के स्टेटमेंट आता है बस बाकी क्या है वोट के लिए आते हैं बस। एसडीएम साहब ये मुआवजा तो के लिए तो सर्वे ईमानदारी से करें और खेत में ये पानी भी बंद हो जाए खेतों में जाके सभी अंदर हकीकत वस्तु स्थिति देख के सर्वे करें है ना जी। दूसरी बात है कि ये फसल जब कटेगी तो जो फसल बीमा की राशि वो भी फसल प्रयोग करके जी। फसल बीमा की राशि भी प्रत्येक किसान को मिलना चाहिए और फसल बीमा की राशि मिलेगी तो तभी महसूस होगा कि किसान को सही राहत। वो तो कटने के बाद ही जो है इस बार पांच साल वाला फसल बीमा कंपनी डकार लेती थी राशि पिछले बार चुनाव के कारण मिली हो और वो भी हमने लड़ाई लड़ी थी सड़कों पर है ना। तो अब तीन तीन बार केस लगे पिछले बार अपने पे मकड़ी पड़ी मकड़ी है वो फसल बीमा। अब किसानों को लड़ाई न लड़ना पड़े उनका वाजिब हक जो फसल बीमा की राशि कटती है और फसल बीमा की राशि मिलना चाहिए तभी सही भरपाई होगी और सही आकलन करके आप अपने पूरे पटवारी अमले को लगा के पानी बंद हो जाए खेतों में जाके थोड़ा सा शिथिल करके किसान हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलवा सके अपने को प्रयास करना जी ठीक है क्योंकि हकीकत आपने देख ही ली है। जी जी कोई बात अभी भी हमारे पटवारी फील्ड में वो अपने देख रहे हैं लेकिन अपन सर्वे दस दिन बाद दस पंद्रह लेकिन वो बराबर पता नहीं रहता है किसानों को एक के घर में चल जाते बाकी अभी गांव में किसी को नहीं करवाएंगे। अब घर में नहीं जाएंगे खेतों में जाके देखेंगे। अभी आठ दस दिन पहले आए थे तो सिर्फ एक ही के घर गए अभी नहीं अभी 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 सर्वे नहीं हुआ। जल्दबाजी में देखो राजनीतिक बात अलग है लेकिन वस्तु स्थिति तो अपने को पानी बंद होने के बाद ही सही आकलन निकलेगा। अभी तो खेत में घुस भी नहीं सकते पानी है खेत में पैर ही पूरा घुटने भर जा रहा है। इसलिए एक सप्ताह बाद सर्वे और डोंडी पिटवा के और खेत में जाके अभी क्या है पानी जैसे खुलता ना गर्मी धूप निकलेगी तो पीली वैसी हो जाएगी ये सब दो दिन में भैया।